पहले वरुण गांधी, अब ब्रजभूषण शरण सिंह, मिशन 2024 से पहले बीजेपी के अपने ही दे रहे विपक्ष को मौका। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा विपक्ष को हमलावर होने का एक भी मौका नहीं देना चाहती है, लेकिन उसकी दो सांसद विपक्षी दलों को हमला करने का भरपूर मौका दे रहे हैं। इनमें पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी और इन दिनों खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोप में घिरे कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल है। ये दोनों सांसद अपने बयानों से पार्टी और सरकार की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का पार्टी लाइन से हटकर बयान देना कोई ताजा घटनाक्रम नहीं है। पहले पार्टी की तारीफ करते थे, लेकिन संगठन और सरकार में आशानुरूप जगह न मिलने के बाद से वे मुखर हो गए हैं। सरकार की हर बड़ी योजना पर व्यंग के जरिए सोशल मीडिया या अपने आर्टिकल के माध्यम से समय समय पर समीक्षा करते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, अग्निवीर, GST एक्सप्रेस जैसी योजनाएं। उन्होंने अपने बयानों से विपक्ष को हमले का भरपूर मौका दिया है। उनके बयानों के कारण राजनीतिक पंडित कभी उन्हें सपा कभी कांग्रेस में जाने की चर्चा करते रहते हैं। बीते दिनों उनकी कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज होने लगी थी, लेकिन उनके चचेरे भाई राहुल गांधी ने साफ कहा कि उनकी विचारधारा में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि उनसे वे मिल सकते हैं, गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकते। राहुल के उत्तर के बाद वरुण के अगले कदम चर्चा हो रही है। हालांकि इन सब मुद्दों पर अभी वरुण गांधी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। उधर बहराइच के कैसरगंज से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बीते दिनों सरकार और संगठन के लिए मुसीबत खड़ी कर विपक्ष को मौका दे रहे हैं। गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर इलाके में बाढ़ आई, तब इस दौरान पत्रकारों ने उनसे व्यवस्था के बारे में पूछा था, तो उन्होंने साफ कहा कि कुछ मत पूछिए तो ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तो नकारा है, यहाँ पर तो सब भगवान भरोसे ही है। उन्होंने कहा कि जीवन में इससे खराब इंतजाम नहीं देखा, अगर कुछ बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। इस दौरान अत्यधिक बारिश के कारण प्रदेश के कुछ इलाके बाढ़ से परेशान थे।